नमस्कार दोस्तों, आज आप वह सपना देख रहे हो जो आपने कभी नहीं देखा, तो आपको आज वह करना पड़ेगा जो आपने कभी नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान राशि पर। आज हम बात करने जा रहे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों का 12 अप्रैल दिन मंगलवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और सिंह राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन से खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज स्टूडियो में आपको बताएंगे सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज स्टूडियो में आज का शंपू राशि पर बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय श्री राम लिखें, हनुमान जी आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 12 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार, आज की तिथि एकादशी, आज का नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 6 बजे और सूर्य अस्त होगा शाम 6:44 पर। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। अगर दोस्तों आज आपको शुक्र करना चाहते हैं तो आप इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही आपको बताएं आज का अशुभ समय है दोपहर 12:48 से दोपहर 1:38 तक रहेगा। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 5 और शुभ रंग है सफेद और गुलाबी। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आपका दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज आपके पास अपने सेहत के और लुक से जुड़ी चीजों को सुधारने के लिए पर्याप्त समय होगा। बिन बुलाया कोई मेहमान आज घर में आ सकता है, लेकिन इस मेहमान की किस्मत की वजह से आज आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। घर के किसी सदस्य के व्यवहार की वजह से आप परेशान रह सकते हैं, आपको उनसे बात करने की जरूरत है। रोमांचक दिन है क्योंकि आपके प्रिय का फोन आएगा, नई योजनाएं आकर्षक होंगी और अच्छी आमदनी का जरिया साबित होंगी। ऐसे लोगों से जुड़ने से बचें जो आपकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा सकते हैं। आपका जीवन साथी बिना जाने कुछ ऐसा खास काम कर सकता है जिसे आप कभी भुला नहीं पाएंगे। साथ ही आपको बताएं आज के दिन आप बिना झंझट विश्राम करेंगे। अपनी मांसपेशियों को आराम देने के लिए तेल से मालिश करें। जो लोग अपने करीबियों या रिश्तेदार के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें आज बहुत सोच समझकर कदम रखने की जरूरत है, नहीं तो आर्थिक नुकसान हो सकता है। कुछ लोग आपके झुंझलाहट की वजह बन सकते हैं, उन्हें नज़रअंदाज करें। यात्रा के चलते रोमानी संबंध को बढ़ावा मिलेगा, व्यवसायिक साझेदार सहयोग करेंगे और आप साथ मिलकर टलते आ रहे कामों को पूरा कर सकते हैं। आज जीवन के कई अहम मुद्दों पर आप घर वालों के साथ बैठकर बात कर सकते हैं। आपकी बातें घर वालों को परेशान कर सकती हैं, लेकिन इन बातों का हल अवश्य निकलेगा। आज का दिन उम्दा में घिरे जाने का है क्योंकि आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम के चरम का अनुभव करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं आज आप शायद कुछ परेशानियों में फंसे रह सकते हैं। ऐसे समय में आपको जो मदद मिलेगी उससे आपको बहुत राहत मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी सीमाओं को जानना चाहिए। अगर काम आपकी सोच के अनुसार ना भी चले तो भी आपको परेशान नहीं होना चाहिए। ये सारी परेशानियां अस्थाई हैं जो कि समय के साथ अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। आपकी मेहनत और लगन आपके कैरियर को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगी और आपको बहुत लाभ होगा। आज का दिन संपत्ति अथवा शेयर बाजार में निवेश करने के लिए शुभ है। साथ ही साथ दोस्तों आज आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। इस ऊर्जा के साथ जिस काम को करेंगे वो समय पर पूरा हो जाएगा। इस राशि के डॉक्टर अपने अनुभव का इस्तेमाल सही दिशा में करें तो उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। आय तरक्की के कुछ ऐसे मामले सामने आएंगे जिसमें जीवन साथी की सलाह आपके लिए काफी फायदेमंद साबित रहेगी। इस राशि के जो लोग वर्किंग है उन्हें कोई नई जॉब का ऑफर मिल सकता है। लंबेट के लिए आय का दिन काफी बढ़िया रहेगा। और दोस्तों आज आपको तरक्की के कुछ नए साधन मिलेंगे। जीवन स्तर को और बेहतर बनाने के लिए आप कोई संकल्प ले सकते हैं। घर के सदस्यों की इच्छाओं को समझने की आपको कोशिश करनी चाहिए।
आज अपने साथी के साथ प्यार से काम लें। अपने प्रिय को खुश रखने की आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए। आज के दिन आपको कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लेने की जरूरत है। यह आपके भविष्य को प्रतिबंधित करने वाला है। बिजनेस में रुका हुआ पैसा मिल सकता है। आज आपके पास अधिक कार्य का बोझ हो सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। नौकरी कर रहे जातकों को किसी महिला मित्र के सहयोग से पदोन्नति प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, किसी तरह की चल अचल संपत्ति में पैसा लगेगा और इससे आपको लाभ भी होगा। पुराना कर्ज चुका देंगे। लाइफ पार्टनर आपके नाम से कोई संपत्ति या घर का कोई बड़ा सामान भी खरीद सकता है। ससुराल में अपोजिट जेंडर वालों से आपको सावधान रहना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के युग बन सकते हैं। ऐसी स्थिति बने तो आपको खुद पर कंट्रोल करना चाहिए। हड्डियों का कोई पुराना रोग है तो वह ठीक हो जाएगा या उसमें आज आपको काफी आराम देखने को मिलेगा। आज कार्यस्थल पर सहकर्मियों को सहयोग मिलेगा। पढ़ाई या किसी सेमिनार की वजह से आपको घर से बाहर भी जाना पड़ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताएं, कुछ चिरस्थायी प्यार के छड़ों के कारण आपका वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा। नए रिश्ते सुखद होंगे। आप परिवार वालों के साथ बाहर घूमने की योजना भी बना सकते हैं। आप अपनी वाणी द्वारा हर किसी को मोह लेंगे। आज अपनी उत्कृष्ट और विश्वसनीय निर्यात्मक निपुणता के बल पर वित्त संबंधी फैसले लेने के लिए आज का दिन उत्तम दिन है। आपको पैसे या व्यवसाय संबंधी एक रोमांचक अवसर की पेश की जा सकती है। आपकी कड़ी मेहनत का आपको इच्छित और लाभदायक परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आज एक नई स्वास्थ्य व्यवस्था का प्रारंभ करने के लिए उपयुक्त दिन है। आप बहुत सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करेंगे। दिल की सुने, आपका हृदय आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। मन की स्थिति विरमित रहने के कारण आपका संभाषण प्रभावित होगा। और धैर्य रखें और अपने आप के साथ ज्यादा ज्यादती ना करें। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, वैवाहिक जीवन में सामंजस्य रहेगा। मनोरंजन संबंधी कार्यों में समय व्यतीत होगा। साथ ही परिवार में हास्य प्रास खुशी का माहौल रहेगा। पारिवारिक वातावरण में आज सुखद बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी परिवर्तन आएगी व रोमांटिक माहौल रहेगा। निकट संबंधियों के यहाँ आप किसी कार्य की वजह से जा सकते हैं। काफी समय बाद घर से निकलना व लोगों से मिलना जुलना खुशी और स्फूर्ति प्रदान करेगा। पारिवारिक वातावरण में खुशी का माहौल रहेगा, लेकिन आपके आपसे निजी मामले में थोड़ा बहुत मनमुटाव रह सकता है। लेकिन आप व्यर्थ की चिंता ना करें, इससे आपकी सेहत पर फर्क पड़ सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि घर के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करेंगे। बाहरी संबंधों से आपको सावधान व होशियार रहना चाहिए, इससे मान सम्मान हानि होने की संभावना है। परिवार के व्यक्ति आपसे कुछ नाराजगी व्यक्त करेंगे, क्योंकि काम के चलते आप व्यस्त रहने से आप अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आप उनके लिए समय जरूर निकालें। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज स्वास्थ्य को लेकर आपके लिए स्थितियां सामान्य रहेंगी। आज किसी तरह की कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या कोई उत्पन्न होने को नहीं है। दोस्तों, आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा, जिसके चलते आप अपने आप को तनमुक्त व तरोताजा और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। दोस्तों, साथ ही साथ आप अपने स्वास्थ्य को और भी अधिक अच्छा रखने के लिए आप अपने खान पान का ध्यान रखें और रोजाना योग व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।